मैंने इस मूवी को पूरी क्यूरियोसिटी के साथ देखा और इसकी एंडिंग तक इसके साथ बना रहा ये सोचकर कि यार इसके जो मेकर्स हैं वो हमें बताना क्या चाहते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले द हाउसमेड मूवी के बारे में जो 2010 के अंदर आई थी। ये एक साउथ कोरियन मूवी है। बुक माई शो के आप इसके ऊपर देख सकते हो। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट के आसपास है। इतना सुनकर भाग मत जाना इस मूवी को देखने कि यार हाँ चलते हैं, हमें पता चल गया इस मूवी को हमें कहाँ देखना है। पहले ये वीडियो पूरी देख के जाना और मेरे क्यों वॉच टाइम को मतलब खराब करने पे तुले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अब इस मूवी की जो कहानी है हमें उसमें क्या देखने को मिलने वाला है। यूनसी करके एक लड़की है। वैसे यूनसी मैंने नाम बहुत मुश्किल से याद किया है, रट्टे मारे मैंने इस नाम के। तो यूनसी जो लड़की है वो काफी ज्यादा सिंपल है, बहुत हंसमुख है, मतलब अपने आप में खुश रहती है, बहुत चंचल है। उसको एक अमीर कपल हायर करता है एज ए मेड, एज ए नौकरानी के तौर पर, क्योंकि जो अमीर कपल है जो उसमें वाइफ है उसको ट्विंस होने वाले, तो घर के काम के लिए। और ये जो अमीर कपल उनकी जो एक बेटी है नामी, 7-8 साल की लड़की है, उसकी देखभाल के लिए उनको एक मेड की जरूरत होती है, तो वो यूनसी को हायर करते हैं। यूनसी के अलावा एक और एज्ड जो नौकरानी है जिसका नाम मिस चो है। अब इनके अलावा जो मुखिया है इस घर में जिसका नाम मिस्टर हून है, वो अब मिस्टर हून यूनसी को, क्योंकि एक जवान लड़की है उसके ऊपर दिल आ जाते हैं, दिल कह लो या हवस की नजर से इस तरीके से उसको देखते हैं, तो मिस्टर हून जो है वो यूनसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं जिसके कारण यूनसी जो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये बात जब जो ये अमीर कपल है इसमें जो वाइफ है जब उसको पता चलती है, वो यूनसी को, यूनसी के जो बच्चा होने वाला है उस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। इसके लिए वो यूनसी को पैसे भी ऑफर करते हैं, यूनसी को अपनी ताकत भी दिखाते हैं, लेकिन यूनसी कहीं ना कहीं चाहती है कि वो अपने बच्चे को बचाए। तो अब देखने वाली बात होती है कि वो अपने बच्चे को क्या बचा पाती है या नहीं बचा पाती, क्या वो अपनी गरिमा बनाए रखती है या नहीं रखती है। इन तमाम सवालों के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब बात करें कि मूवी के अंदर हमें क्या अच्छा देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस मूवी की ओपनिंग होती है या फिर जैसे हमारे सामने मूवी का फर्स्ट सीन आता है, तो वो बहुत कुछ कह जाता है अपने आप में। जो एक आर्टिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है ओपनिंग सीन को लेकर, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। क्योंकि जो फर्स्ट सीन या ओपनिंग सीन में हमें देखने को मिलता है, एक बहुत भीड़ भड़ाके वाला शहर है साउथ कोरिया के अंदर, वहां पर एक जवान लड़की सुसाइड कर लेती है और वहां पर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर गया। इनके लिए तो एक तरीके से कोई कॉकरोच, कोई कीड़ा ही मर गया होगा, इस तरीके का वहां पर एक एक्सप्रेशन दिखाया जाता है लोगों में। तो ये जो सीन है वो बहुत कुछ कहता है, जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि आजकल लोग जो है वो उनके अंदर मानवता किस हद तक खत्म हो गई है। फिर इसके अलावा इसके अंदर अमीर गरीब जो एक क्लास डिफरेंस है वो हमें दिखाया जाता है कि अमीर कैसे गरीबों का यूज करते हैं या फिर गरीबों को और नीचा दिखाने के लिए अमीर क्या क्या चीजें अपनाते हैं। जैसा हमें इसके अंदर देखने को मिलता है कि जब यूनसी जो है वो काम करने के लिए घर में जाती है, तो उससे जिस तरीके के काम करवाए जाते हैं अमीर जो एक लेडी है जो वाइफ है उसके द्वारा, तो वो साफ तौर पर ये सब चीजें दिखाई गई कि हाँ यार हम गरीबों को कैसे मतलब ट्रीट करते हैं अमीरों के द्वारा, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये गरीब अमीर का जो कॉन्सेप्ट, इनके बीच में जो क्लास डिफरेंस है, वो मॉडर्न साउथ कोरिया के अंदर हमें जो देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर जबरदस्त एक्टिंग की गई है जो वाकई में इस मूवी को देखने के लायक बनाता है। इसके अलावा मूवी की जो एक्टिंग है वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, लेकिन बावजूद इसके हम किसी भी करेक्टर से कनेक्ट फील नहीं करते। पहले तो मैंने सोचा था कि यार ये जो कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे हैं हम, मैं इसको नेगेटिव पॉइंट के अंदर रखता हूं, लेकिन बाद में सोचकर मतलब थोड़ी देर बैठा और फिर सोचा कि यार मेकर्स कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि हम किसी भी करेक्टर से कनेक्ट फील ना करें, क्योंकि उन सब करेक्टर की हमें बहुत बहुत बड़ी जो कमियां हैं वो दिखाई गई, उनकी गलतियां हमारे सामने रखी गई हैं, जिससे हमें उनका एक नेगेटिव साइड भी देखने को मिलता है। जैसे कि जो यूनसी है उसने अपने जो मालिक है या बॉस है उसको क्यों नहीं रोका, क्यों उसने उसको आगे बढ़ने दिया, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी सीन है जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन स्पॉइलर के कारण मुझे उन पे पाबंदी है, भाई मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। अब यहां पर जो फर्स्ट सीन, जैसे मैंने आपको बताया बहुत एक आर्टिस्टिक अप्रोच अपनाकर हमें बहुत कुछ बताया जाता है फर्स्ट सीन या ओपनिंग सीन कह लो उसमें, ऐसे ही इस मूवी के अंदर जब लास्ट की एक एंडिंग होती है उसके अंदर जिस तरीके की एक आर्टिस्टिक अप्रोच फिर से अपनाई गई है, जैसे वो लास्ट सीन आता है तो आपके सामने पूरी मूवी की कहानी आपकी आंखों के सामने निकल पड़ती है, यार यहां से शुरू हुई थी, इस लड़की के साथ ये हुआ, अब एंडिंग में ये सब चीजें हो रही है, तो वो दिल दहला देती है। लेकिन जो अमीर परिवार है उसके ऊपर जिस तरीके का एक इम्पैक्ट दिखाया गया है उस एंडिंग का, जैसे पता चलता है कि यार ये इनसे कोई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए कोई मरे, चाहे किसी को कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, उसकी कोई मजबूरी हो, उससे कोई इनको फर्क नहीं पड़ता, ये बस अपनी अमीरी के अंदर जीना चाहते हैं, इनको बस अपनी गिफ्ट से मतलब है, इनको अपनी लग्जरी लाइफ से मतलब है। तो ये जो लास्ट वाला सीन और एक फर्स्ट वाला सीन बहुत कुछ कहता है इस मूवी में। तो ये हुई मूवी की कुछ अच्छी अच्छी बातें। अब जो हमें कमियां हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी की लेंथ जिस तरीके की हमारे सामने दिखाई गई है, 1 घंटे 40 मिनट ही है, लेकिन जैसे मूवी स्लो के तरीके से आगे बढ़ती है और जो एक प्रिडिक्टेबल चीजें इसके अंदर होती है वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती है मूवी के अंदर। और जो मेन करेक्टर है
ड्यूनसी का, वो हमें काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते कि वो एक्चुअल में क्या है, क्या चाहती है वो, क्या वो बहुत ज्यादा भोली है, बहुत ज्यादा अच्छी है, या फिर उसका जो मन जो है वो किस तरीके का है। क्योंकि एंडिंग जो हमें देखने को मिलती है वो काफी सारे सवाल खड़े कर देती है कि यार इसने एक क्यों ऐसा कदम उठाया। देखिए मैं अभी बोलते बोलते रह गया कि वो एक्चुअल में उसने क्या किया स्पॉइलर के कारण, क्योंकि मुझे भी यार पाबंदी है कि वो सब चीजें ना बोल दूं। मूवी डार्क है डेफिनेटली, लेकिन इसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी थी कि यार इस मूवी को और ज्यादा डार्क बनाया जा सकता था। डेप्थ में चीजें हमें दिखाई जा सकती थी, जैसे कि पैरासाइट मूवी जो साउथ कोरियन मूवी है जिसमें क्लास डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो हमें उसके अंदर जो डार्क चीजें देखने को मिलती है वो दिल दहला देती है। उस लेवल की तो ये नहीं है जहां हम उम्मीद करते हैं कि यार यहां पर हमें चीजें होनी चाहिए, और एक बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है, एंड तक हमें देखना पड़ता है कि यार इसके अंदर क्या चीज होने वाली है, मेकर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, एक्चुअल में उनका मोटिव क्या है, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, वो एक बहुत हमें वेट करना पड़ जाता है लास्ट तक। तो ये मुझे लगता है कि यार इन्होंने बहुत ज्यादा स्लो इस मूवी को दिखा दिया। तो मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और नहीं देखी है तो बच्चों के लिए तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर सेक्स सीन है, एडल्ट सीन इसके अंदर दिखाए गए हैं, न्यूड सीन ऑब्वियसली। और हिंदी डबिंग की बात करूं तो हाँ हिंदी डबिंग सही मुझे लगी। बस इतना ही था आज की वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।